यकीन नहीं हो रहा मुझे, ये मेरी फैमिली की एल्बम है। मेरी डायरी, मुझे लगा ये सब चीजें तो जल गई थी उस दिन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पूरी दुनिया दे दी आपने। ये तो हद ही हो गई है। जानती हूं उस चुड़ैल के साथ क्या करना है। नाश्ते के लिए आ जाएं। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। सुबह बखैर। सुबह बखैर बच्चों। अरे वाह, क्या बात है, कोई खास दिन है क्या? सब खैर होगी इंशाल्लाह। एक सरप्राइज है सबके लिए। क्या सरप्राइज है? तो बताओ बेटी। भाभी आ जाए फिर बताऊंगी। लो आ गई मैं, चलो अब बताओ क्या सरप्राइज है। मेरा रिजल्ट आ गया है और नर्सिंग स्कूल जा रही हूँ मैं। मुबारक हो। हाय मेरी प्यारी बेटी। अरे इधर आओ, चलो मेरे लिए बहुत खुश हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी बहन। तो क्यों ना हम इस लम्हे को यादगार बनाएं? हाँ, बिल्कुल। तुम इधर आओ। काश के मैं अब भी वही होती। आ जाओ।
तुम क्यों लाई हो? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? आज यतीमों से मुलाकात का दिन है तो वो तैयारी कर रही हैं। आप कहें तो बुलाऊं उन्हें? नहीं, जरूरत नहीं है। बच्चों को हरगिज़ ऊपर मत आने देना। मेरे सर में दर्द है, आराम करूंगी। जी बेहतर। ठीक है, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। आपने कहा था बारहान ने खून का बदला लेने के लिए शादी की है, और ये भी कि वो उसकी जिंदगी जहन्नुम बना देगा। लेकिन बारहान तो ऐसा कुछ भी नहीं करता है दादी, बल्कि वो तो उसकी तरफदारी कर रहा है। आपको बाग में देखना चाहिए था कि वो लोग कितने करीब खड़े थे। पहली बात, तुम ऐसे ही किसी के कमरे में नहीं आ सकती, समझ गई? जहां तक बारान की बात है तो उसकी बीवी बनने के लिए तुम्हें खुद पे काबू रखना होगा। बारान जब तक उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है, तब तक मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अब जाओ यहां से और अपने लिए अच्छी सी कॉफी बनाओ, और उसको पीते हुए अपने जहन में मेरी ये बातें दोहरा। जब वक्त आएगा तो फिर बात करेंगे हम दोनों। चलो जाओ। आइंदा ऐसा नहीं होगा। माफ कर दे मुझे। वक्त आएगा तो बात करेंगी मुझसे। वक्त तो पहले ही निकल चुका है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हर सूरत उस लड़की से जान छुड़ानी है। ओ जुमरूद, वो हारून तुम्हारे भाई से मिलने आया है। कैसी हो जुमरूद, क्या हाल है? ठीक हूँ मैं। मैं जरा बाहर जा रही थी। अरे तुम कहाँ जा रही हो? कुछ काम है। हारून के साथ चली जाओ। हाँ चलो साथ चलते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं बस से चली जाऊंगी, बाद में मिलती हूँ। तुम्हारी वजह से नहीं गई, यकीनन जरूरी काम होगा उसको। बहुत नाराज है मुझसे, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। फिर जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा, ठीक है? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैं इस काम में बहुत माहिर हूँ। मतलब? मेरा मतलब कि मैं रिश्ता करवाने में माहिर हूँ। तो रिश्ते वाली हैं आप? हाँ, लेकिन तुम इसे छोड़ो। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगी और तुम्हारी शादी भी जल करा देंगे। जवेरिया, कहाँ हो तुम? तुमने चूल्हा खुला छोड़ दिया, जलने की बू आ रही है। खुशामदीद बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? ठीक है, मैं देखती हूँ जाके। मैं इसे देखती हूँ, कहीं ये पूरा घर ना जला दे। जुमरू से ही मेरी शादी होगी, इस पर मुझे यकीन है। औरजान, अली चाय निकाल दी बेटा। अली, अली तुम ठीक तो हो ना? औरजान, ये नाम काफी जाना पहचाना लग रहा है। ठीक है, ये तो अच्छी बात है ना। तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ रहा है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन जब मैंने ये नाम सुना तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अल्लाह अल्लाह, ऐसा क्यों हुआ? नहीं मालूम, यानी वो जो कोई भी है शायद मुझे खास पसंद नहीं होगा अंकल।
देखते हैं बेटा अभी क्या कह सकते हैं। बहुत मुश्किल है सईद अंकल, यानी कि मुझे कुछ भी याद नहीं होना, मालूम नहीं होना कि मैं आखिर कौन हूं, कहां था, क्या कर रहा था कुछ महीने पहले। बहुत मुश्किल है। सही कह रहे हो तुम, मगर तुम्हें एक दिन सब कुछ याद आ ही जाएगा, यानी ऐसा हमेशा तो नहीं रहेगा ना। परेशान मत हो तुम बेटा। इंशाल्लाह सईद अंकल, इंशाल्लाह। चलें बाबा निकलते हैं। ठीक है चलो। अली मैं और बाबा टैक्स ऑफिस जा रहे हैं, रेस्टोरेंट तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है जेबदित भाई, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी राना साहिबा। उस जान, वो वीडियो अभी भी क्यों मौजूद है? हटाओ उसे, मैं नहीं चाहती कि इज्जत देख ले। मैंने वीडियो हटवा दी थी लेकिन असल में वो वायरल हो गई है, शेयर कर रहे हैं लोग। मुझे इसकी परवाह नहीं है, सबकी सब हटवा दो। इज्जत ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी और तुम इसका खुमियाजा भुगतोगे फिर। अब बेफिक्र हो जाए मैडम। सही कौन आया है? मेरे बच्चे आए हैं, मेरी जान हो तुम दोनों, खुश आमदीद। आप हमारे लिए मजे मजे के खाने बनाएंगी ना कदर अम्मी? बिल्कुल बनाऊंगी और फिर हम लोग साथ मिलकर खाएंगे। ये! और सिर्फ यही नहीं, जो कुछ तुम लोग चाहोगे सब बनाऊंगी। चलो वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हारे बारान भाई को बुलाती हूँ। क्या बात है कदर साहिबा, ये बच्चे कौन है? बारान जिन यतीम बच्चों का ख्याल रखता है ये वही हैं, और ये अपने बारान भाई से मिलने आए हैं। देखो तो कौन आया है। बारान भाई, मेरी जान। चलो अब देखते हैं कि हमें इससे क्या मालूम होता है। अच्छा अम्मी, वो नए घर का क्या हुआ? उसके मालिक से बात की थी मैंने, उसने कहा जल्द बता देगा हमें, चीजें समेट लेनी चाहिए अब हमें। ठीक है अम्मी ठीक है, लेकिन कुमरू ने हमें अचानक क्यों निकाल दिया? उसका बेटा जर्मनी से आ रहा है लेकिन हमें तो पता भी नहीं उसका कोई बेटा है। छोड़ो, हम इससे बेहतर घर में जाएंगे, यहाँ की हर चीज पुरानी हो चुकी है, दूसरे घर में सब नया होगा। अच्छा तुम बता रही थी जुमरुद हारून को देखे बगैर चली गई। आपको देखना चाहिए था, उसने हारून को वहाँ देखा और फौरन से गायब ही हो गई। आह जुमरुद, आह, बचपन से ही किसी हाल में खुश नहीं होती। अब तुम खुद ही देखो ना बेटी, कितना अच्छा लड़का है, उसके पास नौकरी है, कारोबार है, घर है, दुकान है, लेकिन नहीं, जुमरुद को कुछ समझ में ही नहीं आता। वैसे
दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ज़ुमरुद तभी उससे शादी नहीं करेगी और हारून से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम ही बताओ अब हम क्या करेंगे जवेरिया। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें अम्मी, सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। आप देखिएगा कि मैं उन दोनों को एक दूसरे के करीब ले आऊंगी। इंशाअल्लाह। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए अम्मी जान, सब कुछ अपनी बहू पर छोड़ दें, मैं सब संभाल लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। संभल के अली, तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम आज कुछ अलग लग रही हो। बुरी लग रही हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खूबसूरत लग रही हो। मेरा मतलब तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। दिलान, ये स्टाइल उन्होंने ही सिखाया है मुझे, तो इस स्टाइल का नाम दिलान रख दिया। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उन जैसी परफेक्ट नहीं बन सकती, वो तो हर चीज को खूबसूरत बना देती हैं। तुम भी ऐसा ही करती हो, मतलब जिस चीज पे हाथ रखती हो खूबसूरत बन जाती है। अच्छा, वैसे तुम कैसे हो? ठीक हूँ। मुझे आज कुछ याद तो आया था, लेकिन समझ नहीं आया वो क्या था। क्या वाकई क्या याद आया? ओ, ऐसी भी क्या बातें हो रही हैं? माफ करना, मैं बीच में आ गई। खुशामदीद फिक्रिया आंटी। बहुत शुक्रिया। ज़ुमरुद, ये बालों के साथ क्या किया है? ओ, कहीं तुम किंडरगार्टन में तो नहीं चली गई थी? तुम्हारे बालों को देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। खैर, मैं यहाँ बातें करने नहीं आई। तुम्हारे बाबा कहाँ है? नहीं है वो, जो बात है मुझे बता दें। किराए का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अदा करने का वक्त आ गया है। ये अपने बाबा को दे देना और कहना साइन करके वापस कर दे। ये देखो जरा, दुकान की क्या हालत बना दी है। किसी को जरा भी परवाह नहीं है, खुद की जगह जो नहीं है इसलिए। अच्छा ठीक है, बेफिक्र हो जाए, मैं देख लेता हूँ उसे। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? बीच में मत बोलो, मैं अपने किराएदार से बात कर रही हूँ। खैर, मुंह लगना बेकार है, अल्लाह हाफिज। अरे बहुत अजीब है ये, किसी को कुछ भी बोल देती है, यहाँ तक कि मेरे बालों को भी नहीं छोड़ा। मैं इन्हें खोल ही देती हूँ। मत खोलो, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये, और प्लीज इन्हें ऐसे ही छोड़ दो मेरी खातिर। ठीक है, मैं अब जाकर बर्तन धो लेती हूँ। मैं भी मदद करता हूँ। एफे, ये घुटने पर जख्म कैसा? कुछ नहीं, गिर गया था। दोबारा उसी लड़के ने गिराया है ना? वो मुझे हमेशा लूजर कहता है क्योंकि मैं उसकी तरह लड़ नहीं सकता। बारान भाई, क्या आप मुझे लड़ना सिखा देंगे? सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ, क्या किसी से बदला लेने के लिए उसे लड़ना जरूरी है? वो मुझे लूजर कहता है। कहने से बन जाओगे? नहीं बनोगे है ना? चलो यहाँ पंच मारो। जबरदस्त, देखा तुम उसे मार सकते हो, लेकिन तुम ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं हो, इसलिए लड़ाई मत करना। तो बताए क्या करूं मैं? तुम बात करके समझाओ उसे, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। लेकिन उसने मुझे फिर मारा तो? फिर तुम मेरे पास आके मुझे बताना, मैं बात करूंगा, ठीक है ना? कि ऐसा होता कि आप मेरे बाबा होते। कैसे इंसान है? कोई बदमाश या फिर कोई हीरो है? ये आपा कौन है?
मेरा नाम है दिलान, मिलके खुशी हुई। मैंने आपका तारुफ तो करवाया ही नहीं। ये दिलान आपा है, तुम्हारे बारान भाई की बीवी। बहुत मोहब्बत करते होंगे ना इनसे? बिल्कुल करते हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, क्या मुझे गले लगा सकती हैं? तुम और भी खूबसूरत हो और जरूर गले लगाऊंगी। इज्जत अंकल, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। बहुत शुक्रिया मीने बेटी, शुक्रिया। आपकी मायूसी की वजह समझती हूँ, लेकिन आप अली को भी जानते हैं कि वो ऐसा लड़का नहीं है और वो आपको तो कभी दुख दे ही नहीं सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचता था, मगर वो चला गया। यकीनन कोई ना कोई मजबूरी होगी, वरना वो एन शादी के मौके पर क्यों जाता? और आप तो जानते हैं वो मुझसे कितना प्यार करता था, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। शायद कुछ बुरा हो गया होगा, या शायद वो भी हमें ढूंढ रहा होगा। हो सकता है। यहाँ क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तुम भी बैठ जाओ। मेरी जान, क्या तुम मेरे लिए भी कॉफी ले आओगी? जी ले आती हूँ। देखो तो, दोनों कैसे ख्यालों में गुम है। रेस्टोरेंट में कोई चोर भी आ जाए तो खबर नहीं होगी तुम दोनों को। भाभी वो बस हम काम में मसरूफ थे जरा। अली, चीफदित ने कॉल की थी मुझे, वहाँ टैक्स ऑफिस में थोड़ी देर हो जाएगी उनको। क्या तुम जाकर मार्केट से थोड़ा दूध ले आओगे? ठीक है, मैं ले आऊंगा। ठीक है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। लेकिन जहाँ से लेते हैं वहाँ से नहीं, ताज़ा दूध लाने को कहा है उन्होंने। मगर जब करीब से मिल सकता है तो दूर क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि वहाँ सेल लगी है और हर चीज ताज़ा मिल जाती है। हमें पैसे बचाने हैं, वैसे भी चीजें सस्ती मिल जाएंगी तो अच्छा ही होगा ना। ठीक है ज़ुमरुद, तुम मुझे एड्रेस लिख के दे दो वहाँ का, मैं ले आऊंगा, कोई मसला नहीं है। ये रहा एड्रेस, यहाँ से बस में जाना होगा तुम्हें। ठीक है, शुक्रिया। तुम हमेशा यही होती हो, है ना? जी बिल्कुल, क्यों? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, मैं फिर कचरा फेंक कर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ अम्मी। हाय हाय, सईद साहब के यहाँ गई थी, किराए का कॉन्ट्रैक्ट देकर आ रही हूँ। वहाँ वो पागल लड़की थी, उसे देकर आई हूँ। प्लीज अम्मी, आप उसके बारे में ऐसा मत कहा करें। पता है वो लड़की अली के साथ थी, एक दूसरे से बात कर रहे थे और बहुत करीब थे दोनों। ज़ुमरुद का चेहरा देखने वाला था, बस बातें ही घुमाई जा रही थी, जैसे मुझसे कुछ छुपा रही हो।
मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन भूल जाओ उन्हें। हारून, जानते हो मैं क्या सोच रही हूँ? तुम्हें जाके उस लड़की सलमा से मिल लेना चाहिए। जरा गौर से उसे देखना और जानने की कोशिश करना, ठीक है? अभी मैं मना कर चुका हूँ, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं आखिर? जी बोलिए जवीरी आपा। हारून बात सुनो, फौरन रेस्टोरेंट पहुंचो, ठीक है? आता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे काम है, ट्रक आने वाला है, उसके बाद आता हूँ। जुमरुद है वहाँ? ठीक है, अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रहे थे? किसी से भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने सुन लिया, जुमरुद थी। बात सुनो, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया तो। अरे अम्मी, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। आप अभी जाए, मुझे बहुत सारा काम है। चलिए, मैं सब देख लूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी ट्रक कहाँ रह गया? घोड़े बहुत खूबसूरत होते हैं बारान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। पसंद आए तुम्हें? बहुत। खास तौर पे वो स्टॉर्म घोड़ा, मैं किसी दिन उस पर बैठूंगा। वो भी थोड़ा बीमार है, जब ठीक हो जाएगा तो जरूर। लेकिन क्या हुआ है उसे? इसका कुछ नहीं हो सकता। आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसे गोली नहीं मार सकते। उसकी टांग में चोट लगी हुई है, लेकिन ठीक हो जाएगा। देख लिए तुमने सारे घोड़े? जी, सभी बहुत खूबसूरत है। ये तो अच्छी बात है। अब चलो और जल्दी से चलकर अपने हाथ धो लो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। बहुत अच्छे लग रहे हैं दिलान आपा। पसंद आया तुम्हें? चाहो तो सिखा भी सकती हूँ तुम्हें। हाँ जरूर। इसको कहते हैं दिलान स्टाइल। आपका अपना नाम? बिल्कुल, मेरी बहन ने इसे ये नाम दिया था। जैसे मैं तुम्हारे बाल बना रही हूँ, ऐसे ही मैं उसके बाल बनाती थी। तो अब क्यों नहीं बनाती उनके बाल? क्योंकि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। ओह, आपको पता है मैं भी अपनी बहन को नहीं देख सकती। याद आती होगी ना तुम्हें? जी हाँ। अपने प्यारों को अपने दिल में ही रखता है, और तुम्हें भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, ताकि तुम जहां भी जाओ वो तुम्हारे दिल में तुम्हारे साथ जाएं। इस तरह से उनसे दूर होने का एहसास कम हो जाता है। क्या वाकई में? फिर तो मैं आपको अपने दिल में रखूंगी और हर जगह साथ लेकर जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, मैं भी। बाबा और जिहान आ गए। कुदरत दादा, जिहान भाई, जिहान भाई।
तुम आखिर इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, दरअसल वहाँ ज्यादा रश नहीं था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ठीक है, यहाँ रख दो इसे। उफ, ये इतनी दूर से जाकर वापस भी आ गया, लेकिन हारून नहीं पहुंचा अभी तक। हाँ, कहाँ थे आखिर? इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? काम कर रहा था, बताया तो था। क्या हुआ? जुमरुद कहाँ है? जुमरुद भी यही है, लेकिन अली भी यही है। अस्सलाम वालेकुम जुमरुद। मैं किचन में जा रही हूँ। आई, ओहो हो हो हो। क्या हुआ है भाभी? मार्केट जाना था, मेरे तो जहन से ही निकल गया। तुम्हारा भाई तो मुझे मार ही डालेगा, अब मैं क्या करूँगी? मैं चला जाऊँ? लेकिन तुम्हें कैसे पता होगा कि कहाँ से लाना है? क्यों ना एक काम करें। हाँ जुमरुद, तुम जुमरुद को अपने साथ ले जाओ, वो बहुत अच्छी तरह जानती है कि कहाँ जाना है। तो चलो जुमरुद, चलते हैं हम लोग। ठीक है जुमरुद, तुम जाओ, मैं पता नहीं तुम्हारे भाई को क्या जवाब दूंगी। उफ, मुझे किस चीज का जवाब दोगी जेनिया? क्या हो रहा है? हाँ, मैं असल में ओह जेवदित, असल में मैं जुमरुद को मार्केट भेज रही थी हारून के साथ। हाँ, हम चले जाएंगे। हारून के साथ क्यों? इसे क्यों भेज रही हो? अली को भेजो, ये भी मार्केट भेज देगा। दरअसल अली इतनी दूर से अभी वापस आया है, थक गया होगा ना वो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थका मैं। चलो जुमरुद, अब हम निकलते हैं। हाँ बेटा जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। जेवते इन लोगों को पैसे दे दो। ठीक है बाबा। ये लो अली, तुम्हें जहमत हो रही होगी, जो आपने मेरे लिए किया उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। चलो जुमरुद, चलते हैं। दादी नीचे क्यों नहीं आई? वो दरअसल उनके सर में दर्द हो रहा है। जब भी बच्चे आते हैं उनके सर में दर्द हो जाता है। कुदरत दादा, मैंने आपके लिए ये बनाया है और मैंने ये बनाया है। तुम भी जाकर बैठ जाओ बेटी। नहीं कदर साहिबा, यहाँ सब बहुत खुश हैं, मैं नहीं चाहती कि कुछ बुरा हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। Thank you.
ये लो खाओ। देख रही हो ना तुम किस तरह ये इन बच्चों का ख्याल रख रहे हैं, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। कुदरत साहब भी बिल्कुल हमारे बारान साहब की तरह बहुत रहम दिल शख्स हैं। जब वो पहले ठीक थे तो पूरे शहर के यतीम बच्चों का ख्याल रखने की कोशिश करते थे, सब बच्चों के लिए बाप जैसे थे। और अब उनकी बेटी की बारी है, सब यतीम बच्चों के लिए एक बाप जैसे बन गए हैं बारान साहब। शायद इसलिए कि जिहान भी माँ के बगैर बड़ा हुआ है, वो इतना अच्छा ख्याल रख लेते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। मेरे लिए प्लेट नहीं लगा, मैं अभी लगा देती हूँ। शायद जहमत होगी, इसीलिए मुझे टेबल पर बुलाया नहीं गया। मैं भी इसी घर की फर्द हूँ। आप लोग खाइए, मुझे बताया नहीं गया था इसीलिए देर हो गई, माफी चाहती हूँ। बात सुनो, मेरे लिए एक नैपकिन ले आना, यकीनन ये भी भूल गई होगी। आइंदा तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो कदर बहन से कहना, वो इस घर की मुलाजमा नहीं है। वाकई में अम्मी, पूरा प्लान बाबा ने बेकार दिया। जुमरुद हारून के साथ जाने के बजाय अली के साथ गई। मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है जवेरिया। हमें वक्त जाया के बगैर सुमरुत और हारून की शादी कर देनी चाहिए। ये औरत आखिर क्या कर रही है? अचानक इतने पैसे कौन बढ़ाता है? क्या हुआ, फिक्री ने भेजा है ये? दिखाएं जरा मुझे। अरे कैसी औरत है ये, इतने में तो पूरा रेस्टोरेंट आ जाएगा। मैं यकीन से कह रही हूँ कि ये औरत पूरी तरह पागल हो चुकी है। तुम जाके बात करो सईद। मैं उससे बात नहीं करूंगा, उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। हारून से बात करूंगा मैं। जिवदेत कहाँ है? मैंने बताया था ना आपको बाबा, वो बैंक गए हैं। हाँ बेटा तुमने बताया था, मैं तो भूल ही गया। मुझे तो, मैं देखता हूँ क्या करना है। अम्मी जान, अगर तो जुमरुद और हारून की शादी हो जाती है तो आपका और फिक्री आंटी का भी एक रिश्ता बन जाएगा, है ना? मतलब अली से जान छुड़ाने में आप उस चुड़ैल के साथ फंस जाएंगी। जानती हूँ जानती हूँ, मुझे उसे संभालना आता है, तुम फिक्र ना करो। ये कहाँ से आ गई? बस सुनो हनीफे, अगर तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से दूर नहीं रही ना। क्या हो गया? हाँ हुआ ये है कि तुम जानती हो कि हम अमीर हैं, इसीलिए तुमने अपनी बेटी को मेरे बेटे के पीछे लगा रखा है। बात सुनो मेरी, ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। तुम्हारी बेटी और मेरे बेटे का कोई जोड़ नहीं है, और वैसे भी मेरा बेटा सलमा से ही शादी करेगा। मेरी होने वाली बहू एक बैंकर होगी, समझ आई तुम्हें? और आपको पता है फिर मैं तेजी से भागा, मैंने जोर से शॉट मारा और गोल हो गया। बहुत खूब बेटा। अरे तुम्हारे बाल कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया, दुलान आपा ने बनाए हैं। हर चीज में घुसने का शौक जो है उसे। वैसे मेरे पास बहुत अच्छी ज्वेलरी भी है, पहनोगी क्या? मसलन पर्ल इयररिंग्स। लेकिन मैं अभी इयररिंग्स नहीं पहन सकती। क्लिप से भी पहन सकते वैसे।
नहीं पहनने मुझे। इसी की कमी रह गई थी। तिलानापा चले हम चलकर खेलते हैं। इजे जान, मेरे पास अभी बहुत काम है, हम लोग बाद में खेलेंगे, ठीक है ना? प्लीज तिलानापा। चलें बाबा, हम चलते हैं। फिक्र मत करो, मैं जा रही हूँ। जरूरत नहीं है। जिहान, बाबा यहां खुश लग रहे हैं, हमें एक साथ देखकर खुश है। कुछ देर और रुक जाओ, मैं चाहता हूं कि इन्हें तसल्ली हो जाए कि हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं है। जिस पे इंसान को भरोसा होता है उससे ही बनती है, लेकिन जब बदले में धोखा मिलता है ना, तो इन सब बातों की कोई अहमियत नहीं रहती। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चले तिलानापा, हम बाहर बाग में चल के खेलते हैं ना। चलो चलिए, आ जाओ। बेटे के पीछे पड़े हो ना, बताओ मुझे। हाँ, अब बस भी कर दे फिक्रिया आप। देखो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो क्या करोगे तुम? याल्ला सब्र। अच्छा, तुम्हारी बेटी के बारे में लोग बातें बना रहे हैं और तुम उसकी शादी करके अपना नाम बचाना चाहती हो, क्यों है ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं तुम जैसे घटिया लोगों के साथ कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ूंगी। मेरी दुकान से अभी इसी वक्त चली जाओ। तुम्हारी दुकान, ये ना भूलो कि ये जगह मेरी है और तुम लोगों को निकालने के लिए एक लम्हा नहीं लगाऊंगी मैं। तुम मुझे मेरी ही दुकान से निकालोगी? हाँ, बोलो। अम्मी फिक्री आपा, देखिए आप लोग पड़ोसी हैं, ऐसा मत करें, क्या हो गया है आप लोगों को? बात सुनो मेरी, मेरा बेटा तुम्हारा दामाद कभी भी नहीं बनेगा, तो जो भी कर रही हो रोक दो, समझ गई? वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुरसुकून हो जाए अम्मी, पुरसुकून। अक्कड़ पक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100। अरे भाई, 100 में तो निकला धागा, चोर निकल के भागा। आप आया है तिलानापा, लेकिन हमें एक स्कार्फ चाहिए होगा। मेरे पास है, मैं अपना देती हूँ। ठीक है। बारान भाई, आप बांध दीजिए। नहीं बेटा, मैं खुद बांधती हूँ। नहीं, बारान भाई बांधेंगे। कहाँ हो तुम दोनों? मैं यहाँ हूँ। देखता हूँ तुम लोगों को पकड़ लूंगी। तिलानापा,
रुको अभी पकड़ती हूँ। तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। तिराना बाप मेरी आवाज का पीछा करे। ठीक है तो मैं आ रही हूँ। तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। हाँ मैंने पकड़ लिया था। आवाज इस तरफ से आ रही है। पकड़ लिया मैंने। अम्मी और हान अंकल सारा सामान ले आए हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। सुबह से ही खुश है माशाल्लाह से। इन दोनों के दरमियान क्या हुआ है? साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। शायद इन बच्चों की वजह से करीब आ गए हैं। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें भी जल्द औलाद की नेमत से नवाजे। आप लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? फालतू में बातें करके वक्त जाया मत करें। चलो बेटी चलो। प्यारे बच्चों चलो ऐसा करते हैं, हम मॉल चलते हैं, मूवी देखेंगे और आइसक्रीम खाएंगे। हम दिलान आपा के साथ कुकीज बनाने जा रहे हैं। मेरी जान ऐसे बस वक्त जाया होगा, मैं कुकीज ऑर्डर करती थी, मुझे एक अच्छी जगह मालूम है। जरूरत नहीं दरी, बच्चे घर पर ही रहना चाहते हैं। चलो किचन में तैयारी करते हैं। चलो आ जाओ। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला किससे बड़ा है, मगर मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि अब मुझे क्या करना है।
आ जाएं। जेहान सुनो, तुम ठीक हो? ठीक हूँ आपा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने नोटिस किया तुम नाश्ते के बाद काफी उदास लग रहे थे। वैसे सच कहूं तो हम सभी उदास हैं, सिवाय उस लड़की के। उसने तुम्हारे भाई को काबू में कर लिया है, मतलब बहुत खूब। वो जो अपनी फैमिली का ख्याल रखता था, शादी के बाद तो सब कुछ जैसे भूल ही गया है। तो इससे आपको क्या मसला है? मेरा मसला वही है जो तुम्हारा है, दिलान। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर वो इस खानदान को बर्बाद कर देगी। अब तो कोई खानदान बचा ही नहीं है। जेहान, ऐसा नहीं कहो। देखो, तुम हो, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे बाबा हैं। जानती हो, तुमने अपने भाई को माफ नहीं किया, मगर इस घर का सरबरा है वो। देखो जेहान, मैं इस खानदान की दिल से इज्जत करती हूँ, और मैं इसकी हिफाजत की खातिर मुझसे जो हो सका वो करूंगी, चाहे जो हो जाए। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई कंफ्यूज है, उसके जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन तुम तो हो, तुम ही वो हो जो इस मसले को हल कर सकते हो जेहान। और तुम अकेले नहीं हो, मैं साथ हूं। ये करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अगर हमने जल्दी नहीं की तो वो लड़की इस खानदान को तबाह करके रख देगी जेहान। तो तैयार हो? जी तैयार है। कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे। हम सबने साथ बनाए हैं। मैं ये दिल वाला कुकी लूंगी। आराम से, बहुत गर्म है। ये आपका और ये आपका। एक दूसरे को हमेशा अपने दिल में रखिएगा, चाहे आप लोग दूर ही क्यों ना हो, ठीक है? करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन अगर हमने जल्दी नहीं की तो वो लड़की इस खानदान को तबाह करके रख देगी जेहान।
हमारे दोस्तों के लिए है। मैंने कुछ कुकीज के साथ साथ खाना भी पैक कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कदर अम्मी। जीते रहो बच्चों। दिलान आपा। मेरी जान। आप मेरे बाल फिर से बना देंगे दिलान आपा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन अगली बार मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगी। ठीक है? ठीक है, जब भी आए तो बारान भाई को साथ मिलाइएगा। ठीक है? बारान भाई आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अपने उस दोस्त से बात करना, कोई मसला हो तो कॉल कर देना। मेरी बात सुने, दिलान आपा बहुत अच्छी है, आप बहुत खुशकिस्मत है बारान भाई। लौट जाओ और हाना अंकल को इंतजार मत करवाओ, आ जाओ। शाबाश, चलो बैठो प्रिंसेस। देखो तो कौन आया है। बारान भाई। मेरी जान। तो बताए क्या करूं मैं? तुम बात करके समझाओ उसे, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। लेकिन अगर उसने फिर से मारा तो? फिर तुम मेरे पास आके मुझे बताना, मैं बात करूंगा। ठीक है ना? सच है, मुझे खून देके बचाने वाला बारान ही है। तुमने बहुत सामान पकड़ा हुआ है, लाओ कुछ दे दो मुझे। नहीं नहीं ठीक हूँ मैं, फिकर मत करो, मैं इससे भी ज्यादा वजन उठा सकता हूँ। ठीक है, फिर अगली बार हम और ज्यादा सामान खरीदेंगे। कुछ याद आया था ना तुम्हें? हमारी बात ही नहीं हुई इस बारे में, कोई अहम बात थी क्या? पता नहीं मुझे, लेकिन जयदीप भाई के कोई दोस्त रेस्टोरेंट आए थे, उस जान नाम था उनका। बस मुझे लगा कि ये नाम मैंने पहले सुना है, बस इतना ही। ओजान। तुम्हारी फैमिली में से कोई होगा? पता नहीं, हो सकता है। अल्लाह अल्लाह, ये कौन है? सेफ नहीं है नंबर। उठा लो चलती, शायद किसी ने वीडियो देखी होगी। हेलो, वाकई में क्या आप उसे जानते हैं? देखें कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे ना? ठीक है, समझ गई, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, कौन था? कह रहा था तुम्हारा मालिक मकान है। क्या वाकई? आवाज से तो लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अली, फैमिली मिल जाएगी तुम्हारी। Thank you.
आ जाएं। मेरे बस में फिलहाल यही है, मना मत कीजिएगा।